अब तक हमने देखा शहर में एक काइजू आ जाता है जिसे डिफेंस फोर्स खत्म कर देती है। तब काफका और उसकी टीम काइजू के टुकड़ों को साफ करने लगती है और अगले दिन से उसका एक जूनियर इचिकावा उसे ज्वाइन करता है, पर उन दोनों पर काइजू हमला कर देता है पर डिफेंस फोर्स उन्हें बचा लेती है। तब हॉस्पिटल में एक छोटा सा काइजू काफका के अंदर घुस जाता है जिससे कि वो काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और अब आगे तब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीना काफका की एक्टिंग करते हुए कहती है, चिंता मत करो, जब तुम्हें डर लगेगा तब मैं तुम्हारे पास रहूँगा, और जोर जोर से हंसकर कहती है, आखिरकार तुम कितनी मांगा पड़ते हो काफका, इसके बारे में अपनी माँ और मेरी माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो वो पड़ोसियों को सारी बात बता देंगी। इसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर हम सच में एक साथ होंगे तो मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब यहाँ मीना अपनी स्क्वाड को हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहती है और यहाँ पूरे शहर में ये बात फैल चुकी होती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू पाया गया है और सारे लोगों को शेल्टर्स और घर के अंदर छुप के रहने के लिए कहा गया होता है। तब यहाँ वो बूढ़ा आदमी काफका को देखकर डर जाता है और यहाँ इचिकावा और काफका भी जोर जोर से चीखने लगते हैं। तो इचिकावा कहता है, हमें इसे बताना होगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज सर इसकी तरफ देखकर थोड़ा स्माइल कीजिए। तब काफका उसे देखकर स्माइल करता है जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तब काफका उसके पास जाने लगता है और जैसे ही दीवार को छूता है वैसे ही वो दीवार टूट जाती है जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। तब काफका कहता है, ये मैंने किया है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से काइजू बन चुका हूँ। तब सभी लोग आवाजें सुनकर बाहर आने लगते हैं और यहाँ इचिकावा कहता है, डिफेंस फोर्स जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाली होगी तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर मैं यहाँ रहा तो हॉस्पिटल में परेशानी हो सकती है तो इसलिए मैं विंडो से भाग रहा हूँ। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो खिड़की को खोलने लगता है वो खिड़की के साथ साथ पूरी की पूरी दीवार तोड़ देता है और खुश होकर कहता है, वो वाह क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया, रुको आखिरकार मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तब इचिकावा उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद बाहर को जंप लगा देता है। तब काफका भी वहाँ से जंप मार देता है। तब शोशीरो कहता है, काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है और अब वो इवैक्यूएटेड एरिया की तरफ जा रहा है। तब यहाँ इचिकावा भागते हुए सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सर सच में एक काइजू है, पर आखिरकार ऐसा कब से है, क्या ये सच में एक असली काइजू भी है, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है सर, क्या आप अभी भी अपने होशो आवाज में है ना, मुझे तो इसके बारे में खुद नहीं पता है, आखिरकार ये क्या है, क्या ये किसी तरह का स्पेशल मोड है, ये चीज तो मैं जानना चाहता हूँ। और तब उसके मुंह में से एक अजीब सी चीज बाहर आती है जो कि एक पक्षी को पकड़ लेती है। तब काफका कहता है, देखो इचिकावा मैं एक पक्षी को जिंदा खा रहा हूँ, ये तो सच में बहुत बेकार है। तब काफका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, इचिकावा एक मुसीबत हो गई है, मुझे सुसु जाना है और मेरी बॉडी इस टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूँ तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं रास्ते में सुसु करता हुआ जाऊँ। ऐसे आप सुसु करोगे कहाँ से, मुझे तो सही पार्ट ही नहीं दिखाई दे रहा। और तब उसका सुसु गलत जगह से बहने लगता है। वैसे काइजू के सुसु करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना। तब वो दोनों इस चीज को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तब काफका कहता है, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं बस यहाँ पर अब मरना चाहता हूँ, आपको इस टाइम बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो चलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। परिची कावा मुझे ये बताओ, क्या मैं इस हालत में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम आप वो बन गए हैं जिससे कि वो लोगों को बचाते हैं, तो वो आपको देखते ही मार डालेंगे, मुझे लगा ही था। पर एक सेकंड रुको, इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, आखिरकार ये क्यों हो गया, मैंने अभी अभी तो डिसाइड किया था कि मैं उस तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, अब मैं इस बॉडी के साथ ऐसा कैसे करूँगा। चलिए सर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और अगर हम अंदर चले जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी काफका को कुछ महसूस होने लगता है। तो इचिकावा कहता है, क्या डिफेंस फोर्स यहाँ पर आ गई है? नहीं, कोई चीज अंडरग्राउंड से आ रही है और ये एक काइजू है। और तभी एक काइजू उनसे थोड़ी दूर अपीयर हो जाता है जिसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है। तो मीना कहती है, कार 2 पुराने काइजू के पास जाएगी और हम लोग नए काइजू की तरफ जा रहे हैं। तब काफका कहता है, ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला किया था, तो इसका मतलब आप ये भी बता सकते हैं, पर इसके यहाँ आ जाने से हमारी तरफ कम लोग आएंगे तो इसलिए हम आसानी से छुप सकते हैं। शुक्र है उस काइजू के आने से पहले ही आपकी वजह से उन लोगों ने वो जगह खाली करवा दी थी, तो इसका मतलब कोई भी खतरे में नहीं होगा। और तब वो लोग छुपने के लिए जाने लगते हैं और यहाँ देखते हैं एक लड़की की मॉम मलबे में फंस चुकी होती है और वो जोर जोर से रोकर उन्हें निकालने की कोशिश कर रही होती है। तब उसकी माँ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है पर वो बिल्कुल मान नहीं रही होती। तभी काइजू उन्हें देखने लगता है। तब उस लड़की की माँ उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है पर वो लड़की फिर भी नहीं सुनती। तब वो काइजू उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की अपने माँ के गले लग के जोर जोर से चीखने लगती है। तभी हम देखते हैं काफका आके उस काइजू के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो दूर जाकर
गिरता है। तब काफका कहता है, क्या बात है, क्या मैं सच में इतना स्ट्रांग हूँ? तब वो जैसे ही बच्ची के पास जाता है तब वो बच्ची उससे डरने लगती है। तब काफका उसके सामने स्माइल करने लगता है जिससे कि वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। तब काफका कहता है, बस करो रो मत, मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। तब इचिकावा वहाँ आ जाता है और काफका उस लड़की की माँ को मलबे में से बाहर निकाल देता है। तब इचिकावा उस लड़की से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बस बेहोश है और ये बहुत जल्दी होश में आ जाएंगी। तभी वो काइजू वापिस आ जाता है और काफका कहता है, इचिकावा इन्हें लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाओ। पर आखिरकार आप अब क्या करने वाले हैं? अब मैं इसे जोरदार मुक्का मारने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं काफका की बॉडी में करंट फ्लो करने लगता है और जैसे ही वो काइजू उस पर हमला करता है तभी काफका उसके हमले से बचकर उसे साइतामा का एक मुक्का मारता है जिससे कि उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर खून की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इचिकावा कहता है, आपको कभी भी ये चीज किसी भी ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं करनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक है, तुम इसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। तब वो लड़की काफका को देखकर डरने लगती है। तब काफका उनके पास आकर कहता है, डिफेंस फोर्स बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो चिंता मत करो। और तब वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की कहती है, मिस्टर काइजू इसके लिए थैंक यू। तब उसे देखकर काफका को मीना की याद आती है जिसने उससे कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक हम लोग साथ हैं तब तक मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक हम साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। और तब वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तब काफका को एक ख्याल आता है जिसमें वो और मीना मिलकर काइजू के साथ लड़ रहे होते हैं। तब काफका कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सर मैंने एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लिया है, तो चलिए फिर किसी के यहाँ पर आने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। इचिकावा मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं अभी भी जाऊंगा और उसके साथ खड़ा होऊंगा। तब थोड़ी देर बाद मीना और उसकी टीम वहाँ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तब मीना उस बच्ची के पास चली जाती है और उससे काइजू के बारे में पता लगाने लगती है। तब वो लड़की काइजू को याद करके डर जाती है। तब मीना कहती है, चिंता मत करो मैं सारे काइजू उसको मार डालूंगी। तब वो लड़की इस बात से खुश हो जाती है और दूसरे ही पल दुखी होकर कहती है, पर क्या आप ये प्रॉमिस करेंगी कि आप अच्छे काइजू को नहीं मारेंगी क्योंकि उसने मेरी माँ को बचाया है। तो ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विटनेस के अकॉर्डिंग काफका की एक पिक्चर बनाई गई होती है और न्यूज चैनल एंकर कहता है, ये 8th काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स ने एक कोड नेम दिया है, तो इसलिए इसे काइजू नंबर 8 कहा जा रहा है जिसे अभी भी डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाई है। तो यहाँ इचिकावा सोचता है, ये सब कुछ तो हाथ से फिसलता ही जा रहा है। 3 महीने पहले सर एक पहले ऐसे काइजू बने जो कि डिफेंस फोर्स से बचकर भागने में कामयाब रहे और अब सारी डिफेंस फोर्स उन्हें ढूंढ रही है। तब यहाँ इचिकावा का मैनेजर कहता है, इचिकावा तुम्हारे और काफके के लिए एक मेल आई है, वो जॉब पर जल्दी चला गया है, तो क्या तुम इसे उसके पास ले जाओगे? तब इचिकावा इस बात के लिए मान जाता है। तो यहाँ एक पर्सन कहता है, तो अब वो वक्त आ गया है। तो दूसरा पर्सन कहता है, काफका हमेशा हर साल एग्जाम देता है ना? तुमने सही कहा और हमें हर साल उसे चीयर करना पड़ता है। तब इचिकावा देखता है कि वो डिफेंस फोर्स के पहले राउंड का टेस्ट क्लियर कर चुका है जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब इचिकावा काफका का मेल लेकर उसके पास जाने लगता है पर उससे पहले वो उसे खोल कर देखने लगता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ एक पर्सन कहता है, तो इसका मतलब उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया है पर इस बार उसका ये आखिरी चांस है। तब दूसरा पर्सन कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो इस बार ये आखिरी चांस ले क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो इचिकावा काफका के पास पहुँच जाता है और कहता है, सर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। तब यहाँ काफका काइजू के रूप में बदल कर खाना खा रहा होता है। तो इचिकावा उसे जोरदार लात मारते हुए कहता है, आखिरकार आप यहाँ पर सबको अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? आपको पता भी है कि आप कैसे दिख रहे हैं? ये मेरी गलती नहीं है, मैं अभी भी कभी कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो क्या मैं अब ठीक लग रहा हूँ? आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, कम से कम अपने दांतों को देखिए। और जब मैं ऑफिस में था तब आप न्यूज पर छाए हुए थे, तो इसलिए आपको और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तब काफका माफी मांगने लगता है। उस दिन हम वापस हॉस्पिटल पहुंच गए थे और हमने सबको बताया कि जब वो काइजू आया था तब हम लोग छुप गए थे और सभी लोगों ने इस बात को मान लिया। और तब इचिकावा काफका को उसकी लेटर दिखाता है जिसे देखकर काफका खुश हो जाता है। तो इचिकावा कहता है, मुझे तो लगा था कि आप खुशी से झूम उठेंगे, फर्स्ट राउंड तो मैं हमेशा पास कर लेता हूँ, मैं तो सेकंड राउंड में फेल होता हूँ, तो आपको इस चीज पे इतना गर्व क्यों हो रहा है? तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस बॉडी के साथ अपना सेकंड राउंड देने जाएंगे? चिंता मत करो, मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। पर आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। पहले राउंड में सिर्फ रिटन टेस्ट और पेपर वर्क था, पर सेकंड राउंड में चारों तरफ ऑफिसर्स होंगे और अगर आप वहाँ पर कन्वर्ट हुए तो वो आपको देखते ही मार डालेंगे। चाहे जो मर्जी हो पर मैं फिर भी इस एग्जाम को जरूर दूंगा। मैंने पिछले 3 महीने बहुत मेहनत की है पर मैं फिर भी ये नहीं जान पाया हूँ कि मैं वापस कैसे कन्वर्ट होऊंगा। मैं अभी 32
इयर्स का हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है, तो इसलिए मैं इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। पर आप याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब अब से हम राइवल्स हैं। तब काफ्का बॉटल का कैप खोलने लगता है और उससे वो खुल नहीं रहा होता, जिससे कि वो काइजू में कन्वर्ट होके उसे तोड़ देता है। तो इचिकावा कहता है, मैंने जो भी अभी कहा मैं उसे वापस लेता हूँ और आप एग्जाम को स्किप कर दीजिए। तब काफ्का इचिकावा का पैर पकड़ लेता है, सब कुछ ठीक रहेगा, जब एग्जाम होगा तब तक मैं ठीक हो चुका हूँ, प्लीज मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ो। चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। तो अब सारे लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाइए। अगर ये पास हुआ होता और मैं ना हुआ होता तो मुझे इसका सर कहलाने में बहुत शर्म आती। तो वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। तब हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिकावा और काफ्का टेस्ट देने डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। तो इचिकावा कहता है, तो ये है डिफेंस फोर्स का टाचिकावा बेस। वैसे तो मैं फील्ड ट्रिप पर कुमागाया बेस पर गया हूँ, पर ये बेस तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। डिफेंस फोर्स ये एरिया सेल्फ डिफेंस फोर्सेस गैरिसन के साथ शेयर करती है, और जब कुछ भी होता है तो दोनों टीमें मिलकर अपने सोल्जर्स को वेस्टर्न टोक्यो में भेज देती हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो आप कुछ ही सेकंडों में मारे जाएंगे। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी काफी लोग टेस्ट देने आए होते हैं। तब काफ्का कहता है, अब डरने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो फिर चलते हैं। तो अब जब हम जल्दी आ ही गए हैं तो चलो फिर चेक इन कर लेते हैं। तब एक लड़की उसे बुलाने लगती है और कहती है, जरा ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे कह रही हो? इचिकावा सोचता है, क्या ये भी यहाँ पर एग्जाम देने आई है? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ। इसीलिए तो तुम बूढ़े हो चुके हो। क्या सच में? ये बिल्कुल सही कह रही है। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? ये मेरे रास्ते में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी कार खड़ी करनी है। यहाँ पर तो और भी जगह है, पर मैं यहाँ पर पार्क करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। तुम्हारा लकी नंबर? आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अब थोड़े मैनर सिखाता हूँ। लगता है मुझे इसे हटाना होगा। और तब वो अपनी ड्रेस को खोलकर अपने सूट को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि वो काफ्का की गाड़ी को उठाकर साइड में फेंक देती है। ये तुमने क्या किया? ये तो कंपनी की गाड़ी थी। आखिरकार तुम हो कौन? मैं एग्जामी नंबर 2016 हूँ, और मेरा नाम किकोरु शिनोमिया है, और मेरी हॉबी काइजू को मारना है, और इस चीज को याद रखना। पर मुझे एक चीज बताओ बूढ़े आदमी, आखिरकार तुम काइजू की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो? वैसे गाइस, जब काइजू उस बच्ची पर हमला करता है, मुझे पता नहीं एकदम से अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 1 याद आ गया, और साथ ही साथ इसने जिस तरह से मुक्का मारा मुझे सच में साइतामा की याद आ गई। मेरे यार, साइतामा आजकल सारे एनिमेस में छाया हुआ है। पहले सोलो लेवलिंग थी, अब काइजू नंबर 8। बाकी गाइस, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हो।